देखिए, सबसे पहले तो जमीनें किसी के बाप की नहीं है, और दूसरी बात, बात वक्त बोर्ड की आती है तो वक्त बोर्ड होता कौन है भारत में? एक संविधानिक और सेक्युलर देश में ये बोलने वाला कि ये जमीनें हमारी हैं। वक्त बोर्ड का कानून क्या है आपके दर्शकों को, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। वक्त बोर्ड का कानून ये है कि नरसिम्हा राव की 1995 की सरकार में एक कानून लाया गया, उस कानून के तहत जहां भी मुसलमानों को लगता है कि वे उनकी पूर्व संपत्ति रह चुकी है, वक्त बोर्ड के द्वारा वो उस संपत्ति को रुक कर सकते हैं। और आप उस संपत्ति के खिलाफ, मान लीजिए वक्त बोर्ड ने बोल दिया कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो जमीन, जिस घर में आपने बनाई है, जिस घर के ऊपर वो जमीन नीचे है, वो जमीन वक्त बोर्ड की है, तो ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। देश में कहीं भी कभी भी वक्त बोर्ड कभी भी आपकी जमीन को इस चीज के तहत हथिया सकता है, और आप कानूनी दरवाजे के अन्यथा भी नहीं हट सकते हैं। और जो भी वक्त बोर्ड की एंट्री हुई है, वक्त बोर्ड का कानून अब खत्म होना चाहिए, ये सबकी राय है। क्योंकि ऐसे तो एक संविधानिक देश में जहां आर्टिकल 14 और 19 के तहत बताया जाता है कि हमारा देश सेक्युलर है, हमारे देश में किसी धर्म और किसी जाति विशेष का आधिपत्य स्थापित नहीं है, वहां पर कैसे एक विशेष समुदाय को इतने अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो चलते फिरते राह पर अपनी जमीन को कब्जा लेगा और उसके बाद अपना कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ना कहीं और का, ना आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ PIL दाखिल कर सकते हैं, ना आप हाईकोर्ट में उसके खिलाफ दरखास्त लगा सकते हैं। तो ये कैसी संवैधानिक प्रक्रिया है? या तो फिर हिंदुओं को भी अधिकार दिया जाए, हिंदू बोर्ड भी बनाया जाए, हिंदुओं को जहां लगता है अपनी जमीनें हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी कहो, मथुरा हो, काशी हो, या अयोध्या के और भी स्थल हो, या कुतुब मीनार का विष्णु स्तंभ हो, सारे फिर हिंदुओं को स्थापित कर दिए जाए, हम वक्त बोर्ड का खुले तौर पर स्थापित करेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान सच में सेक्युलर देश है और आर्टिकल 14 और 19 जिसकी ये इतनी पागलों की तरह दुहाई देते हैं, वो या तो बंद हो या तो पूरी तरीके से फिर सेक्युलरता दिखाई जाए और हिंदुओं को भी वो जमीनें दी जाए वापस, जिस पर औरंगजेब ने 40,000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके अवैध मदरसे और अवैध मस्जिदों का निर्माण कर दिया। और दूसरी बात, अगर आप सच में सेक्युलर देश का निर्माण करना चाहते हैं तो उसुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को भी खटगरे में खड़ा करिए। और एक विशेष समुदाय है, उसने अयोध्या में दोबारा 20 साल बाद जब अयोध्या का राम मंदिर अच्छे से पावन भगवान का राम मंदिर बन गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, उसके बाद वक्त बोर्ड आता है अयोध्या में, वक्त बोर्ड पे अपने ऊपर जमीन स्थापित कर देता है, उसके बाद तो अयोध्या का मंदिर भी हमें इन्हें देना पड़ेगा। इस हिसाब से तो हिंदू अपने ही देश में किराएदार बन गया है। तो ये किराया खत्म करने के लिए, क्योंकि असली किराएदार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और क्या कहते हैं अन्य देशों से कौन आया था, वह पूरी दुनिया जानती है। तो इस किराए को बंद कराने के लिए हमें इसके खिलाफ कानून दाखिल करना होगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमें, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता भी हूं, मैं खुद चाहता हूं कि ये कानून खत्म हो, क्योंकि सेक्युलर देश में ऐसे कानूनों का कोई भी स्थान नहीं है। और भाजपा के नेता जो एक है दिल्ली भाजपा के, उन्होंने भी इस पर हाईकोर्ट में PIL दाखिल करी है और हाईकोर्ट इसके लिए क्या कहते हैं सुनवाई करेगा, और हम हाईकोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सेक्युलरता के निष्पक्ष फैसला लिया जाएगा।